दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के आदिगाम इलाके में बुधवार देर रात आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई गोलीबारी के बाद से मुठभेड़ शुरू हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया था। इस अभियान में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवानों ने सारे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी अभियान के दौरान जैसे ही सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों के छिपे ठिकाने के पास पहुंचे तो घर में छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों की फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और आतंकवादियों को आत्मसमर्पण का मौका भी दिया, लेकिन आतंकवादियों ने लगातार फायरिंग जारी रखी। सुरक्षा बलों ने पूरे गांव की घेराबंदी की और गांव में प्रवेश तथा निकास के रास्तों को सील कर दिया। खबर लिखे जाने तक सुरक्षा बलों की घेराबंदी जारी थी।